हाय एवरीवन, आप सभी के स्वागत है एक और अनदर न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि कल सुबह से आप सभी पीएफ मेंबर्स को एक एरर देखने को मिल रहा है पीएफ पासबुक पर। पासबुक ओपन करते आपको एक एरर देखने को मिल रहा है और उस एरर में आपको कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप अपना पीएफ अकाउंट में अपना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। एरर आ रहा था और आप अपना पासबुक का जो बैलेंस है वो चेक नहीं कर पा रहे थे। सभी पीएफ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो भी पीएफ मेंबर्स की अकाउंट में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है वो भी आप अपना पीएफ बैलेंस को चेक कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैलेंस चेक करके दिखाते हैं, इसके बाद आप लोगों को मैं यूनिफाई पोर्टल पर ले जा करके दिखाएंगे कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यूएन नंबर इंटर कर चुका हूँ, साथ में पासवर्ड एंड कैप्चा भी। और दोस्तों, यहाँ पर आप यूएन नंबर का 4 डिजिट लास्ट का देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएफ पासबुक पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। नीचे स्लाइड डाउन करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट मेंबर आईडी पर क्लिक करके मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर व्यू पासबुक ओल्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बैलेंस जो है 00 शो कर रहा है। तो नेक्स्ट दूसरा मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके भी आपको दिखा देते हैं, सिलेक्ट कर लिया हूँ। नेक्स्ट दोबारा से ओल्ड पासबुक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं यूएन नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएन नंबर का 4 डिजिट यहाँ पर देख सकते हैं 1884। और पोर्टल पर ले जाकर दिखा देता हूँ कि इनका पीएफ अकाउंट में इनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई है या नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यूनिफाई पोर्टल पर और सेम यूएन नंबर से मैं यूनिफाई पोर्टल पर लॉगिन कर चुका हूँ। अलर्ट मैसेज को कर देते हैं लेटर। और दोस्तों, आपका पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर वेरीफाई है या नहीं है आपको चेक करना है, या आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, इसके लिए आपको मैनेज ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक करना है। नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार लिंक के मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर 4 डिजिट शो कर रहे हैं मोबाइल नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट वेरीफाई, यानी इनका पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। ईमेल आईडी की या जीमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी या जीमेल आईडी ऐड ही नहीं है इनका पीएफ अकाउंट में। तो इनका पासबुक जो है ओपन हो रहा है, बैलेंस शो कर रहा है पीएफ पासबुक पर। और यहाँ पर दोस्तों, आप यूएन नंबर का 4 डिजिट और इनका नाम देख सकते हैं 1884। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। जो पीएफ मेंबर्स आपका पीएफ बैलेंस को चेक नहीं कर पा रहा था तो आप अभी अपना पीएफ पासबुक को चेक कर पाओगे। अगर आपकी पीएफ अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो या ना हो, दोस्तों एक एरर था ईपीएफ पोर्टल की तरफ से जो कि सर्वर की प्रॉब्लम था। तो दोस्तों, ये जो एरर है 20-22 घंटे के लिए एरर था, अभी ठीक हो चुका है प्रॉब्लम। और अभी है सुबह का टाइम, सुबह 7:44 हो रहा है, मैं सुबह शूट कर रहा हूँ इस वीडियो। यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं 7:44 हो रहा है और आज डेट है 28 मई सैटरडे। तो दोस्तों, अभी आपके पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर वेरीफाई हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पीएफ बैलेंस को चेक कर पाओगे। तो दोस्तों, यही छोटी सी एक जानकारी था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको पीएफ यूएन हेल्पफुल नॉलेज वीडियो मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। तब तक के लिए बाय बाय।